लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक उनका जुबानी प्रहार लगातार जारी है। ओपी चौटाला के ये बयान उनकी हार की बौखलाहट को साफ साफ जाहिर भी कर रहे हैं। ओपी चौटाला बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बोले कि आज प्रदेश का हर नागरिक मौजूदा सरकार से दुखी है। देश में सबसे ज्यादा खतरनाक डिक्टेटर जर्मनी के हिटलर को माना गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को एक बार फिर से मौका मिला है। सामाजिक विकास हो चाहे टेक्निकल विकास हो, हिटलर के प्रयासों से जर्मनी आज विश्व के सत्तर पर पहले नंबर का देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी डिक्टेटराना तौर तरीके अपना रहे हैं। उनके सारे किए हुए कामों का जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा, आप सब भुगत भोगी हैं। बुधवार को सोनीपत पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने एक बार फिर से प्रदेश के सीएम पर अभद्र टिप्पणी की है। आपको बता दें कि जब से इनेलो सुप्रीमो 14 दिन की फरोल पर आए हैं, जब से वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। आइए आपको जरा सुनवाते हैं कि उनके कौन कौन से ऐसे ऐसे अलग अलग बयान है जो उन्होंने सीएम को लेकर दिए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया इस बेचारे को कोई ज्ञान ही नहीं, कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे लोगों के काम किए जाते हैं, इतना तजर्बेकार आदमी। हम व्यवहारिक लोग हैं, किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो चीज बेकार हो जाती है, अगर कोई दुधारू पशु है और वो दूध नहीं दे रहा, आगे के लिए नई उत्पत्ति ना हो रही, काम का नहीं, दूसरे खेत में काम करने वाले पशु किसी कारणवश नाकारा हो जाए, आदमी भी अगर शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाए काम ना कर सके, हमारी भाषा में उसे खट्टर कहा करते हैं। क्या सत्ता में जो लोग बैठे हैं क्या वो ज्ञान नहीं है, कैसे चलाई जाए, लोगों को कैसे सुविधा प्रदान की जाए, इस बात को अगर क्या हालात रहे, क्या परिस्थितियां रही, किस वजह से लोगों को दाव लगे, मुख्यमंत्री जी बुरा मानते हैं, व्यवहारिक लोग किसी वजह से रूप लेने के काबिल ना हो, नए सिरे से हो उत्पत्ति के काबिल ना हो, खेत में काम करने वाले पशु अगर किसी वजह से नाकारा हो जाए तो फिर हम नाकारा पशुओं को मित्र कहा करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में जो चीज सामने थी वो मैंने व्यक्त की थी। हम व्यवहारिक लोग हैं, हमारा पशुधन अगर किसी वजह से नाकारा हो जाए तो दारू का शुरू बना दे, इसके बांध रह जाए, काम ठीक न करे, तो आवारा पशुओं को हम कट्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हम चाहे मुख्यमंत्री जी को बुरा लगे लेकिन इससे बुरा कट्टर कोई और नहीं मिलेगा, इस बेचारे को ज्ञान ही नहीं, काम कैसे किया जाए,
इसका ये तजर्बा नहीं है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इसकी मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और सरकार बनने के बाद ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा उस बिचारे को कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं, अधिकारी उसकी बात को नहीं मानते, लोगों को क्या सुविधा प्रदान की जाए ये उसकी सोच में नहीं। मैं सच्ची बात करने चाहती हूं, मैंने जो इसके मुतल्लक बात कही उसका खट्टर साहब जो बुरा होना है, मैं फिर उसको याद दिलाना चाहूंगा कि मुझे राय देने की बजाय अपने आप को सुधारने का काम करें। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं सबसे ज्यादा उनकी सराहना करूंगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।